दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप IDBI बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी वगैरह इंस्टेंट तुरंत ही मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड मैंडेटरी है, इतना होना चाहिए तभी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको वेलकम किट मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐप स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, IDBI बैंक आई क्विक डिजिटल अकाउंट। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ओपन करना है, कुछ परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड पर जो नाम रहेगा वो डालेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर बताया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वही मोबाइल नंबर से आपको अकाउंट ओपन करना है। तो यहां पर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा वही मोबाइल नंबर डालेंगे। इसे दोस्तों आप कंटिन्यू करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP यहां पर आपको डालना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रोसेस बताया जा रहा है, पहले आपको आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी, उसके बाद आपको ब्रांच की डिटेल देनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की डिटेल डालने के लिए बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर आप आधार नंबर डाल सकते हैं, अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नंबर है तो यहाँ पर आप वर्चुअल आईडी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म को एक्सेप्ट करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप सबमिट कर देंगे तो आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके आधार कार्ड से यह काफी डिटेल मैच कर लेगा, जैसे यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल आपकी रहती है ये मैच कर लेगा, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एड्रेस, जो आधार कार्ड में एड्रेस रहेगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। नीचे आपका आधार नंबर रहेगा, देख लेंगे अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे कस्टमर का कुछ कंफर्मेशन पूछा जा रहा है, जो DBT स्कीम, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम मिलती है और जो सब्सिडी आती है, उसको अगर आप इस अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर दूसरे अकाउंट पर आप ले रहे हैं पहले से, अगर इस अकाउंट में नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर देंगे। दो चीजें दोस्तों, बाय डिफॉल्ट आपका नो रहेगा, जैसे आर यू नॉन रेजिडेंस इंडियन तो यहाँ पर नो रहेगा, यहाँ पर आपका रिपोर्टेबल नो रहेगा, तो इसको आपको देख लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से दोस्तों आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जिसके लिए सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना जो भी आपका स्टेट रहेगा यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश मैंने स्टेट सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर सिटी आ जाएगा, उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है। जैसे सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ब्रांच आ जाएगा, उस सिटी में जितनी भी ब्रांच रहेंगी आपको ब्रांच चूज कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग मिलेगा और SMS अलर्ट, ये चारों चीजें आपको इस अकाउंट के साथ मिलेंगी। उसके यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि डेबिट कार्ड, जो ATM कार्ड आपका होगा, वो आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर सेंड किया जाएगा। अगर अनडिलीवर्ड हो जाता है तो उस केस में आपको ब्रांच से अपना डेबिट कार्ड कलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, इन केस यू डू नॉट विश टू एबल द एबोव सर्विस प्लीज विजिट ब्रांच टू डिसेबल दिस फैसिलिटी। अगर आप इस फैसिलिटी से संतुष्ट नहीं है, ये सब नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ब्रांच विजिट करके ये सब सर्विस आप डिसेबल करवा सकते हैं, इसको ओके कर लेना है। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल फिल करनी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद यहाँ से रिलेशन चूज कर लेना है कि नॉमिनी से आपका रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपका एड्रेस है और नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर चेक मार्क कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट एड्रेस आ जाएगा। अगर दोस्तों नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पर आप इसको चेक मार्क नहीं करेंगे और यहाँ पर आप एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा सेम है तो यहाँ पर हम चेक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अदर डिटेल फिल करनी है, जैसे यहाँ पर कम्युनिटी यानी आपका रिलीजियस चूज कर लेना है कि आपका रिलीजियस क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट चूज कर लेना है, जनरल है, OBC है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन चूज करना है कि आप क्या करते हैं कहाँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है, जो आप अपना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं।
यहाँ पर आपको मदर्स मेडन नेम डालना है जहाँ भी आपका जन्म हुआ था, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिल किया है उसको रिव्यू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिल किया है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जैसे आपका पर्सनल डिटेल, आपका अदर डिटेल। यहाँ पर आप कुछ एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी ईमेल आईडी और आपका ब्रांच। यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना ब्रांच भी चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमार्क नहीं करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जा रहा है, वेलकम टू आईडीबीआई बैंक। यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, आपको एसएमएस में आपका अकाउंट डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट का फुल केवाईसी कराना होगा, जिसके लिए आपको ब्रांच जाना होगा जो आपका नियरेस्ट ब्रांच रहेगा। अगर आप अपने अकाउंट की फुल केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट एक साल बाद बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपके अकाउंट का अगर आप फुल केवाईसी नहीं कराते हैं तो 1 लाख लिमिट रहेगा, 1 लाख से ज्यादा आप अपने अकाउंट पर बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा लेनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों जो आपका डेबिट कार्ड रहेगा वो 30 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर आप दोस्तों गेट अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके सामने एरर आ जाता है तो थोड़ी देर बाद आपको ट्राई करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आईडीबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों डेबिट कार्ड हमें रिसीव हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको नेट बैंकिंग का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।